इज अ डिवर्स कंट्री एंड हमारी कंट्री में हर एक चीज अलग अलग तरीके की पाई जाती है, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कल्चर्स हो, चाहे वो लैंग्वेजेस हो। और आज जिस चीज की मैं बात करने जा रही हूँ वो भी हमारी कंट्री में अलग अलग तरीके की पाई जाती है, एंड दैट इज काइंड ऑफ ज्वेलरी। यस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वोकैबुलरी ऑफ ज्वेलरी टुडे। सो वेलकम बैक टू माई चैनल सेक्रेट इंग्लिश अकेडमी। आई एम श्वेता, योर ट्रेनर। सो लेट्स बिगिन। नाउ वी हैव क्राउन। क्राउन एक ऐसी चीज होती है जिसको सिर के ऊपर डाला जाता है, एंड यू मस्ट हैव सीन मेनी ऑफ द टीवी शोज, हिस्टोरिकल शोज जो टीवी के ऊपर दिखाए जाते हैं, जिसमें राजा महाराजा लोग जो हैं उन्होंने अपने सर के ऊपर एक ताज पहना होता है, एंड विच इज नोन एज क्राउन। इट इज अ ट्रेडिशनल सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ अडॉर्नमेंट वॉर्न बाय मोनार्क, एंड एक्चुअली इट रिप्रेजेंट देयर पावर, ग्लोरी एंड ऑनर। देन वी हैव फैसिनेटर। Fascinator is a formal headpiece worn by the females of the royal family. As you can see in this picture, Meghan, who is the wife of Prince Harry, is wearing fascinator. ये एक ऐसी चीज होती है जो कि lightweight knitted fabric के साथ बनी होती है, and it is attached by a clip or a band. Now this one is a band of metal worn as a jewelry. ये एक ऐसी चीज होती है जो कि metal के द्वारा बनाई जाती है, एंड जो कि हम अपने आर्म के अराउंड पहनते हैं, एंड यू नो हिस्टोरिकली इट वॉज वॉर्न बाय मेन। यस, हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूँ तो ये जो आर्मलेट है ये मेल्स के द्वारा पहनी जाती थी, एंड यू नो इट इज सिमिलर टू अ ब्रेसलेट और अ बैंगल, इट इज नोन एज आर्मलेट। देन वी हैव बेली चेन और वेस्ट चेन। बेली से मेरे कहने का मतलब है कमर, एंड बेली चेन का मतलब होता है कमरबंद। And I'm sure कि आपने इस बेली चेन को जरूर हिंदी टीवी सीरियल्स में देखा होगा, बिकॉज दिस बेली चेन और वेस्ट चेन इज वॉर्न बाय द वुमेन ऑफ द टीवी सीरियल्स अ लॉट, एंड एक्चुअली दिस बेली चेन कैन बी मेड ऑफ गोल्ड और सिल्वर, बट सम पीपल यूज थ्रेड टू वेयर अराउंड देयर वेस्ट। वेल, बाहर मौसम बहुत ही अच्छा हो गया, इट्स रेनिंग हेवीली आउटसाइड, एंड आई हैव अ मूड टू ईट फ्रिटर्स और समोसास, बट वो सब कुछ खाने से पहले मैं इस वीडियो को जरूर पूरा करूंगी। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज स्टड। स्टड एक ऐसा पार्ट ऑफ ज्वेलरी आइटम है विच इज अटैच टू अ बार एंड विच गोज थ्रू अ होल इन द ईयर और नोज। अगर मैं स्टड्स की बात करूं तो स्टड्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं बट मैं बेसिक सिर्फ दो टाइप्स की बात करूंगी, एंड द फर्स्ट वन इज ईयर स्टड एंड द सेकंड वन इज नोज स्टड। कुछ लोग स्टड्स को ईयर्स में पहनना पसंद करते हैं, कुछ लोग इनको नोज में पहनना पसंद करते हैं, और कुछ लोग दोनों जगहों पर पहनना पसंद करते हैं। और अगर मैं बात करूँ स्टड्स के बारे में तो दीज स्टड्स आर बून फॉर दोज पीपल हु डोंट लाइक टू वेयर हैवी एयर ज्वेलरी, जिनको बड़े बड़े डैंगलर्स पहनना पसंद नहीं है या हूप इयररिंग्स पहनना पसंद नहीं है, उनके लिए स्टड्स जो है वो बून साबित हुए हैं। आफ्टर स्टड जो कि एक नोज ज्वेलरी है, अब बारी आती है फिर से नोज ज्वेलरी की, विच इज नोन एज नोज रिंग। नोज रिंग मतलब एक ऐसी रिंग जो कि नोज में पहनी जाती है, एंड इन इंडियन कल्चर इट इज क्वाइट फेमस। अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न कंट्रीज की तो ये जो नोज रिंग है वो भी बहुत फेमस हो रही है दीज डेज। इन इंडियन कल्चर सम वुमेन वेयर इट ऑन राइट साइड एंड सम पीपल सम वुमेन वेयर इट ऑन लेफ्ट साइड। चलिए मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, अगर आपको एक ही टाइप ऑफ ज्वेलरी रोज पहननी पड़े तो कैसा लगेगा? आई नो इट इज गोइंग टू बी वेरी बोरिंग। अगर मैं बात करती हूँ सिर्फ स्टड्स के ही बारे में, अगर आपको स्टड्स ही रोज रोज पहनने पड़े तो आई नो इट इज गोइंग टू बी वेरी बोरिंग। इवन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे भी ये चीज़ बहुत बोरिंग लगेगी। सो नाउ आई हैव कम अप विद अ न्यू कैटेगरी ऑफ इयररिंग, एंड दैट इज नोन एज हूप इयररिंग। हूप इयररिंग एक ऐसा रिंग शेप इयररिंग है जो कि हमारे ईयर से हैंग करता है, एंड दिस हुप इयररिंग इज वेरी फेमस अमंग द पीपल। इफ आई से ये जो हुप इयररिंग है ये बहुत ही पॉपुलर है हमारी कंट्री में भी एंड इन वेस्टर्न कंट्रीज में भी, एंड दीज हुप इयररिंग्स इज अ गुड ऑल्टरनेटिव टू अदर ज्वेलरी आइटम्स। एंड ऑफकोर्स ये जो हुप इयररिंग्स हैं इससे हमारा जो जॉ लाइन है वो बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। सो आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू इन्वेस्ट योर मनी इन अ गुड पेयर ऑफ हुप इयररिंग्स।
Now this one is a close fitting necklace worn around the neck. As you can see from the picture कि ये एक ऐसा नेकलेस है जो कि हमारे नेक के अराउंड पहना जाता है और ये बिल्कुल क्लोज फिटिंग होता है. एंड यू नो इट इज मेड ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक इट कैन बी मेड ऑफ बीड्स, लेदर, प्लास्टिक और वेलवेट. एंड इट इज नोन एज चोकर. वेल वेल वेल, नाउ दिस वन इज माय फेवरेट एंड इट इज नोन एज टियारा. टियारा, डू यू नो व्हाट इज टियारा? लेट मी टेल यू, टियारा एक ऐसा ज्वेलरी आइटम है जो कि हेड, सिर के ऊपर डाला जाता है. इट इज लाइक क्राउन बट इट इज नॉट एग्जैक्टली क्राउन बिकॉज क्राउन इज फुल सर्कल्ड एंड टियारा इज हाफ सर्कल्ड. एंड द वन मेन डिफरेंस बिटवीन टू इज कि क्राउन जो है वो मेन और वुमेन दोनों डाल सकते हैं बट जो टियारा है वो सिर्फ वुमेन डालती हैं और आई शुड से गर्ल्स डालती हैं. एंड आजकल तो ये जो टियारा है ये बर्थडे पार्टीज के ऊपर भी गर्ल्स जो हैं वो पहन लेती हैं. नाउ दिस वन इज नोन एज क्लफ लिंक्स. क्लफ लिंक्स, क्लफ लिंक एक ऐसा आइटम ऑफ ज्वेलरी है जो कि शर्ट के क्लफ्स को सिक्योर करने में मदद करता है. मेरे कहने का मतलब कि शर्ट के क्लफ्स को, मतलब शर्ट के यहाँ पर ये जो क्लफ लिंक्स हैं ये लगे होते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो सी फ्रॉम द पिक्चर दैट वॉट क्लफ लिंक्स आर. क्लफ लिंक्स एक्चुअली कैन बी मेड ऑफ लेदर, ग्लास, स्टोन और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज. अब जिस ज्वेलरी की मैं बात करने के लिए जा रही हूँ वो ऐसी ज्वेलरी है जो कि पैरों में डाली जाती है. यस, विच इज नोन एज फुट ज्वेलरी एंड इट इज toe ring. Toe का मतलब होता है पैर की उंगली and ring का मतलब तो आप जानते हैं which is known as अंगूठी. So toe ring मतलब एक ऐसी ring, एक ऐसी अंगूठी जो कि पैर की उंगली में डाली जाती है. And you must have seen हमारा इंडिया जो है वो डिवर्स कंट्री है एंड यहाँ पे काफ़ी सारी वुमेन जो हैं वो toe ring को पहनना बहुत पसंद करती हैं. And these days, these toe rings are very famous among the Western countries. And these toe rings can be worn with barefoot, sandals or anklets. And the next one is anklet. Anklet एक ऐसा jewelry item है जो कि ankle के around पहना जाता है. And many of the girls like this anklet a lot. And अगर मैं सच बात बोलूँ तो मेरी खुद की sister को anklets बहुत पसंद हैं. हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो हिंदी में एंकलेट्स को पायल बोला जाता है. एंड इन इंडियन मैरिजेस दीज एंकलेट्स आर वॉर्न विद साड़ीज एंड दीज डेज एंकलेट्स आर वेरी फेमस. इफ आई से देर आर टू टाइप्स ऑफ एंकलेट, द लाइट वन एंड द हैवी वंस. सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन से तरीके की एंकलेट पसंद है, वेदर द हैवी वन और द लाइट वन. Now this was all about the vocabulary of jewelry items. Abhi mera time ho gaya hai pakode khane ka. I am going to eat fritters, samosas and all. And usse pehle agar aapko meri video pasand aayi so do like this video and subscribe my channel. Agar aise hi aane aur videos aapko meri chahiye to aap is channel ko subscribe zarur kar dein and do press the notification button. And yes, do let me know in the comment section ki aapka favorite jewelry item kaun sa hai. So bye bye.